सनी जी क्या कहना चाहेंगे, आज आपका फोटो शूट है तो किस तरीके का एक्सपीरियंस लग रहा है आपको शूट के? एक्सपीरियंस विद फैजान इज ऑलवेज वेरी गुड, बहुत मजा आता है उसके साथ शूट करके, बहुत एनर्जी देता है वो मुझे। एंड टुडे हम लोग जो शूट कर रहे हैं वो थोड़ा फैशन है प्लस कॉन्ट्रास्ट विद इंडो, एंड या आई एम वेरी हैप्पी विद फैजान, ही इज वर्किंग विद मी फ्रॉम लास्ट 10 years एंड ही इज अ ब्रिलियंट फोटोग्राफर। कितने चेंजेस हैं फिर? वी माइट बी डूइंग 7 to 8 चेंजेस। मैम हमने सुनने में आया कि आपके दो अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाले हैं दिलजीत जी के साथ और सुपरस्टार रजनी सर के साथ में, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ जी, तो एक मूवी है शहीद विच इज विद दिलजीत दोसांझ, अ वेरी वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, इट इज अ बायोपिक ऑन जसवंत सिंह कारला जो शहीद हो गए, उनके वो बायोपिक है। रेस्ट अबाउट दिस यू नो प्लीज वेट एंड वॉच। एंड अबाउट जेलर, I am playing a parallel lead with Rajnikanth and Aishwarya Rai. As a daughter, my name is going to be Preeti and I am the jailer in the movie. Thank you so much. For rest, you have to wait and watch. Keep patience. मैम रजनी सर के साथ काम करने का किस तरह का एक्साइटमेंट, मतलब आपको जब डन हुआ तो किस तरह का एक्साइटमेंट? सर जब मैं सिलेक्ट हुई आई कुडंट बिलीव, मुझे तो पहले बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये हुआ है, बिकॉज इट इज अ प्लेजर लिटरली टू इवन स्टैंड नेक्स्ट टू दैट सर, दैट मैन, इट इज अ ड्रीम कम ट्रू। एंड इवन नाउ आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स टू टेल यू दिस दैट आई हैव गॉट अ वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी गॉड हैज गिवन मी टू वर्क विद हिम and I respect that completely. Waiting to work with you sir, really waiting to work with you. और दिलजीत सर के साथ क्या कहेंगे? वो तो मजेदार है, मस्त मौला है, वो तो आप देखते ही हैं उनके इंस्टा, उनके साथ बस शूट करना है, मस्ती करनी है, it's going to be really fun. मैम बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में आपके फेवरेट एक्टर या फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? मेरे फेवरेट एक्टर है संजय दत्त। आई नो इट इज अ लिटिल awkward right now, but yes, from childhood till today, Sanjay Dutt is what I really love. His aura, his acting, his look, I just love him as a person as well, because he was my dad's friend, so yeah. And actresses, I love Kangana Ranaut and Priyanka Chopra, because they're too bold, and what they are, and I just want to be like them. Not be like them, better like them. किस एक्टर या एक्ट्रेस के साथ काम करने का एक्साइटमेंट है? आई मीन कि मुझे इस एक्टर या एक्ट्रेस के साथ काम करने का मौका मिले। नहीं अभी तो मैंने वो सोचा नहीं है, बट आई वुडंट माइंड रणबीर कपूर, आई वुडंट माइंड रणबीर कपूर, आई वुडंट माइंड आदित्य रॉय कपूर, बट देन इट शुड बी अ लव कॉमेडी और अ फन मूवी with them. Mam, agar food ki baat kare to kis tarah ki dishes aapko pasand hai? Food? Oh, there is this one very recent restaurant opened in Bandra Pali Hill. It's called The Cloud. It's lovely. The cuisine is very, very good. And it's very recently opened. And guess what? They have sannas in their in their menu. So yeah, please do visit. The restaurant is really good. You will enjoy it because I just love it. मैम इन दो प्रोजेक्ट के अलावा और भी कुछ कोई प्रोजेक्ट या कोई सीरीज या कुछ ऐसा? सीरीज तो राइट नाउ आई एम गेटिंग, बट आई डोंट वांट टू पर्सनली गेट इनटू सीरीज फर्स्ट, बिकॉज़ आई एम फोकसिंग ऑन मोर फिल्म्स, बिकॉज़ मूवीज ओनली आई एम डूइंग पैरेलल एंड लीड्स आर माय पेरेंट्स, बिकॉज़ दे देमसेल्व्स आर सच स्ट्रांग पिलर्स टू मी एंड दे एक्चुअली बिलीव इन मी, लाइक मैंने तो गिव अप कर दिया था, बट मॉम एंड डैड ने कभी भी गिव अप नहीं किया था, दे ऑलवेज थॉट कि नहीं ये कुछ करेगी, हम इसको पर्दे पे देखेंगे, एंड दैट हैपेंड, सो या माय स्ट्रेंथ आर माय पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स हैं मॉम डैड हैं तो वो भी इसी नस्ल पे मतलब ताल्लुक रखते हैं या कुछ डिफरेंट था? नहीं मेरे जो मॉम है शी लव्स टू गिव फूड टू पीपल, सो शी हैज हर ओन टिफिन फर्म व्हिच इज नेम एज बुआस किचन, she does home deliveries, and my dad is into properties, he was into politics, he has horses in Bombay's race course, and he was also and now also somewhere connected in the industry.
तो आज मैं वहाँ पे इस मुकाम पर हो तो किस तरीके का फील होता है मॉम डैड को कि आज हमारी बेटी इस जगह? उन लोगों को फील ये होता है दैट हमारा बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी सना नेवर आर सपोर्ट नॉर यूज माय फादर्स नेम नॉर यूज माय मदर्स नेम टुडे व्हाट आई एम इज जस्ट बिकॉज ऑफ मी एंड ऑल्सो जस्ट बिकॉज ऑफ दे केप्ट ऑन बिलीविंग इन मी दैट्स इट इज जस्ट देम हु बिलीव्ड इन मी एंड आई डिड इट ओके मैम थैंक यू फोटोशूट भी हो रहा है और प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं तो इनके रिलेटेड आप क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा कि आप बहुत जल्दी एक बहुत ब्रिलियंट कलाकार को देखेंगे फील करेंगे शी इज वेरी ब्रिलियंट एंड वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट शी इज डूइंग अब बहुत अच्छा एक फील करेंगे बहुत जल्दी ओके बहुत अच्छा कोई सर आपके अंदर अभी आपका किस तरीके का योगदान है या फिर अभी आपका किस तरीके का इंडस्ट्री से ताल्लुक है जरा बताएंगे थोड़ा अपने बारे में? नहीं फिलहाल एट प्रेजेंट तो मैं कोई एक्टिव नहीं इंडस्ट्री में जी मैंने बहुत पहले कुछ सीरीज वगैरह बनाई थी जी टीवी के लिए एडवर्टाइज वगैरह प्रोड्यूस की थी बस चीज को वक्त हो चुका है मैं इस तरफ फील्म में नहीं हूँ बस इसको देखता हूँ ही जस्ट गिव्स मी स्ट्रेंथ गाइड्स मी अ लॉट बिकॉज़ ही इज बीन इन द इंडस्ट्री एंड ही इज लाइक अ वेल विशर लाइक माय अंकल सर आप क्या कहना चाहेंगे सना जी के बारे में? भैया आर यू एक्साइटेड फॉर द मूवी? एक्साइटेड अच्छा है देख ग्रोइंग उसको देख आगे और भी ग्रो होने इन्होंने मुझे देखा है जब से मैं 5 इयर्स की थी अच्छा ओके तब से लेके आज तक ही इज सीन मी ग्रोइंग एंड यस ही इज माय ब्रदर एंड आर यू प्राउड ऑफ मी प्राउड ऑफ ओके ओके थैंक यू जूम पे